तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब बनाने में कौन सा मटेरियल लगता है और उसका खर्चा कितना आता है, एक एलईडी बल्ब बनाने में कितना पैसा लगता है। वैसे ये बहुत दिन से हमारे चैनल पर कमेंट भी आ रहा था कि एक बल्ब बनाने में कितना पैसा लगता है और कितना खर्चा आता है और वो मार्केट में कितने का बिकता है। तो ये सारा चीज़ मैं एक पेपर पे आपको पेपर पेन की सहायता से बता दूंगा कि पूरा कितना लगता है। तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मटेरियल उसमें लगता है। तो सबसे पहले ये हमारा एक हाउजिंग है और उसके बाद हमारा आएगा एक B22 कैप जो इसके ऊपर से लगेगा और फिर हमारे पास एक ड्राइवर आएगा, ये हमारे पास ड्राइवर रहेगा और फिर एक टिक्की आएगा और एक डिफ्यूज़र आएगा और उसके बाद ये हमारा दो स्क्रू रहेगा, फिर एक MCPC भी रहेगा और उसके बाद सोल्डरिंग आप करेंगे तो सोल्डरिंग वायर भी रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके प्राइस की। तो हमारा ये हाउजिंग के साथ आता है, इतना सारा मटेरियल हमारा हाउजिंग के साथ आता है। ये हमारा हाउजिंग और ये डिफ्यूज़र और ये टिक्की हमारा हाउजिंग के साथ आता है, मतलब हाउजिंग के प्राइस में ही ये तीनों आ जाते हैं। बस आपको इसका प्राइस देना रहता है, इसका प्राइस और ये आपका 10,000 के पीस में आता है, 650 का 10,000 पीस रहता है इसका। आप जान लीजिए दो स्क्रू है, ये 650 का 10,000 पीस रहता है। जैसे हमारा ये मैंने करके पूरा रख लिया है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो चलिए इसके प्राइस की हम बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइवर हमारा कितने का आता है। ये हमारा ड्राइवर रहेगा आपको 18 रुपये से 19 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाना है और इसके ऊपर कोई कोई लोग 18% GST लगाता है, कोई 12% और बिना GST का अगर देगा तो ये 19 से 20 रुपये के करीब में दे देता है। उसके बाद हम हाउजिंग की देखेंगे तो हाउजिंग हमारा इस समय रेट चल रहा है 8 रुपये 90 पैसा से लेके 10 रुपये 10 पैसा के बीच में रेट चल रहा है। और फिर हमारा MCPC भी आता है, ये जो ये बल्ब होता है इसका रेट इस समय चल रहा है 5 रुपये 50 पैसा से 6 रुपये 50 पैसे के बीच में चल रहा है। उसके बाद ये B22 कैप है, इसका तो B22 कैप रहेगा, ये इसका 1 रुपये आप मोटी मोटा मान लीजिए कि 1 रुपये का ही मिलता है। स्क्रू का आप अगर 10,000 पीस लेते हैं अगर तो आपको ये 650 मिल जाएगा, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि 10,000 पीस रहेगा तो उसमें 650 में 5,000 पीस आपका बल्ब बनना ही बनना है। फिर इस प्रकार से आप रैपर बॉक्स बनाएंगे तो ये अच्छी क्वालिटी का रैपर बॉक्स मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके का आप रैपर बॉक्स बनवाएंगे तो रैपर बॉक्स आपको डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट चार्ज मिला के मैंने पूरा किया है तो मुझे रैपर बॉक्स आप मिल जाता है 2.5 रुपये में हमको पड़ता है, 2 रुपये 50 पैसा में ये हमको पड़ जाता है पूरा घर तक आने में। तो आप एक बार पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, मैं ये वाला लास्ट वाला प्राइस लेके चलूँगा। 19 रुपये का ये हमारा ड्राइवर हो गया और इसके प्लस में करेंगे 10 रुपये का हाउजिंग करेंगे, MCPC भी करेंगे 6 रुपये का और फिर कैप करेंगे 1 रुपये का और ये रैपर बॉक्स हम करेंगे 2.5 रुपये का। तो ये 29 हो गया, 35 हो गया, 36, 38 रुपये 50 पैसा और सोल्डरिंग स्क्रू मिला के पूरा ये समझ लीजिए अगर आपका 3 रुपये अभी पड़ता है तो 41 रुपये के करीब में आपका हो जाएगा, 41 रुपये 50 पैसा। और उसके बाद ये सारा माल आने में ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर पकड़ लीजिए, अगर आप क्वांटिटी मंगाते हैं तो 1.5 रुपये आप पकड़ लीजिए, 1 रुपये 50 पैसा ट्रांसपोर्ट चार्ज पकड़ लीजिए, तो ये हो गया आपका 43 रुपया, मतलब आपका एक बल्ब ये 43 रुपये में रेडी हो जाएगा। एक बल्ब का 43 रुपये में इधर रेडी हो गया। फिर आपको ये सेल करना है, अगर आप सेल करने जाते हैं तो सेल करने
जाते हैं, अगर एक बार सेल करने गए, अगर आप 100 बल्ब अगर सेल करके आए या फिर 200 बल्ब सेल करके आए, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट कास्ट मान के चलिए एक बल्ब का 1 रुपये पड़ जाएगा, यानी 44 हो गया। और उसके बाद आपका ये 1 रुपये मेकिंग चार्ज पकड़ लीजिए, तो 45 रुपये हो गया। मतलब ये सेल करने तक का 45 रुपये में आपका ये बल्ब पूरा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप सेल करेंगे 58 से 64 या 65 तक, अगर यहाँ से पकड़े तो आपको 13 या से लेके 20 रुपये तक आपको इसमें मार्जिन मिल जाना है, यानी 13 रुपये से लेके एक बल्ब 20 रुपये तक आपका बच जाना है। अब आप इसके हिसाब से अनुमान लगा लीजिए, अगर आप क्वांटिटी में माल मंगाते हैं तो आपका 10 पैसा 20 पैसा हर जगह से बचेगा। और जो लोग आपको अगर मार्केट में जो आप को अगर कॉल करके आप कहीं इंक्वायरी कर लिए, कॉल करके बोलेंगे कि आप ले जाइए एक बल्ब पे आपको 30 रुपये बचना है, 35 रुपये बचना है, तो वो नहीं होगा। मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया, और ये अच्छी क्वालिटी का मैंने सारा प्रोडक्ट आपको दिखाया है। जितने भी प्रोडक्ट आपको मैं दिखाया हूँ, ये रैपर बॉक्स से लेके ड्राइवर कैप और हाउसिंग तक मैंने अच्छी क्वालिटी का दिखाया है पूरा हर चीज़। तो इतने का आपको मेकिंग चार्ज मान के चलिए आपको 45 रुपये आना ही आना है, इससे कम नहीं आएगा। तो ये सब सोच के आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना माल मंगाना है, कितना और मशीनरी का जो है, मैं मशीनरी का एक इसी प्रकार से पूरा वीडियो मैं बना के दे दूंगा कि मशीन में कितना पैसा लगता है, तब आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आप ये बल्ब का बिजनेस कितने में आप चालू कर सकते हैं, पूरा आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।